आज का हमारा ये वीडियो उन व्यवसायियों के लिए है जो चाहते हैं या फिर शुरू कर चुके हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं अपना कॉपी किताबों का बिजनेस। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कॉपी किताबों से जुड़ी हम हर एक बात आपको बताने वाले हैं कि इस बिजनेस में कितनी लागत लगती है, कितना प्रॉफिट होता है, मशीनें कौन सी लगती है, मशीनें कहां से लेनी है, तमाम बातें, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोज आप देखना पसंद कर रहे हैं और आगे देखना चाहते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप शुरू करना चाहते हैं। हम हर बात की जानकारी वीडियो अपलोड करके आपको जरूर देंगे। तो चलिए आज बात करेंगे कॉपी किताबों के बिजनेस की। कोई भी बिजनेस शुरू आप करते हैं तो सबसे पहला पहलू होता है पैसा, इन्वेस्टमेंट, कि कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि एक अच्छा सा बिजनेस शुरू भी हो सके और उसका मुनाफा भी मिल सके। तो चलिए शुरुआत इन्वेस्टमेंट से करते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुल खर्च 10 लाख रुपए का आता है। इस पैसे में आप ये मशीन भी खरीद सकते हैं और साथ ही रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह भी इसी पैसे में हो जाएगी। अब रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। नोटबुक बनाने के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल और उसकी कीमत। दिस्ता पेपर 62 रुपए प्रति किलो। गत्ता, कवर के लिए इस्तेमाल होने वाला गत्ता 1 रुपए प्रति पीस। काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि रॉ मटेरियल कहां से लें, इसलिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब इन्वेस्टमेंट की आपको हमने एक मोटे तौर पर बता दिया कि कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात दिमाग में आती है कि चलो इन्वेस्ट तो कर दिया, मुनाफा कितना होगा? मुनाफा ही तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो भी आपको बताते हैं। प्रॉफिट के बारे में आप सोच रहे होंगे तो आपको बता दें कि 1 किलो पेपर में लगभग 6 से 7 नोटबुक बनाई जा सकती हैं। यदि इसे रिटेल में बेचें तो 15 रुपए प्रति पीस बिकता है। एक नोटबुक बनाने में कुल लागत 11 रुपए की पड़ती है। होलसेल में इस तरह की नोटबुक की कीमत 12 से 13 रुपए की होती है। इस तरह से होलसेल में प्रत्येक नोटबुक में 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो बेसिकली इस तरह 10 लाख रुपए की लागत के साथ इस व्यापार की शुरुआत बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। नोटबुक ब्रांड बाजार में उतार सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। नोटबुक बनाने के लिए आपको मशीनें भी चाहिए, जैसे पिनअप मशीन, स्क्वायर मशीन, कटिंग मशीन। ये मशीनें 4 किलोवाट बिजली लेती हैं और इसे घरेलू बिजली से भी चलाया जा सकता है। मशीनों की प्राइस की बात करें और कहां से ले सकते हैं इन मशीनों को, तो इन मशीनों की कुल कीमत 5.5 लाख से 6 लाख के बीच होती है और इंडिया मार्ट की वेबसाइट से आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि कॉपी किताबों का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स पर आप जरूर हमें लिखा कीजिए कि आपको कौन कौन से और किस तरह के वीडियोस पसंद हैं बिजनेस को लेकर। हम आपको जरूर वो वीडियोस दिखाएंगे और हमारी कोशिश लगातार यही है कि हर बिजनेस को हम कवर करने की कोशिश करें। तो यूं ही हमारा साथ देते रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार।